मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जैन क्लासेस में स्वागत है। हम आपको पिछली वीडियोस में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ बता चुके हैं। ऐसी ही कई महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो चलिए, आज का टॉपिक लेकर हम आए हैं आपके लिए स्क्वायर्स। स्क्वायर क्या होता है बच्चों? किसी भी संख्या को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने को जो आंसर आता है उसे स्क्वायर बोलते हैं। जैसे कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसका आंसर आता है 4, यानी कि 2 का स्क्वायर होता है 4। 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर आता है 9, यानी कि 3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 9। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है बच्चों। ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, सभी क्लासेस के बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक स्क्वायर। जैसे बच्चों, वैसे कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, ये हर एक क्लास का बच्चा इसको निकाल सकता है। 24 को 24 से मल्टीप्लाई कराने में टाइम बहुत लगता है, इस वजह से हम आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर तो सभी बच्चों को अधिकतर याद ही होते हैं। तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर लिखते हैं 16, और यहाँ पर लिखते हैं 2 का स्क्वायर 4। तो बच्चों, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कराना होता है 2 और 4 का। 4 × 2 = 8, 8 का डबल कितना होता है 16। यहाँ पे हमेशा एक नंबर ब्लैंक छोड़ना है बच्चों आपको, तो इसको ऐड करना होता है 6 × 7 = 6 × 1 = 7 × 5 = 4 × 1 = 5, यानी ये नंबर 24 का स्क्वायर होता है। बहुत ही ईजी है बच्चों, कोई माइंड पे जोर नहीं डालना है आपको। मान लीजिए यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64, बस बच्चों यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे डबल डिजिट ही लेना है। बाई चांस आपके पास कोई सिंगल डिजिट का नंबर आता है तो आप उसको 0 लगाकर डबल कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना है, 8 × 3 = 24, 24 का डबल कितना होता है बच्चों 48। इसको ऐड कराना है 4 × 8 = 14, 1 = 9, 1 = 10 और 4 = 14, यानी ये जो है 1444, ये 38 का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट लेकर चलते हैं बच्चों, 47 का स्क्वायर। 47 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर लिखना होता है सबसे पहले 49, 4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16, फिर यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना होता है। अब लेते हैं 4 और 7 का मल्टीप्लाई, 4 × 7 = 28, 28 का डबल 56। बहुत ही सिंपल सा है बच्चों। बहुत से बच्चे मैथ से डरते हैं, उन्हें मैथ बहुत ही कन्फ्यूजेबल लगता है। मैथ को इंटरेस्ट लेने पड़िए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आ रही अभी भी। तो इसको ऐड करना होता है 9, 4 × 6 = 10, 6 × 6 = 12, 1 × 1 = 2, 2 × 2 = 9, ये किसका स्क्वायर है बच्चों 47 का स्क्वायर है ये। 51 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 51 का स्क्वायर तो किसी को भी पता नहीं है अभी तक, यानी कि 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको शॉर्ट ट्रिक से निकालने के लिए। 1 का स्क्वायर होता है 1, बस बच्चों यहीं पर याद रखना है आपको। यहाँ पर सिंगल डिजिट जब भी आएगा तो उसको डबल करना है 0 1। 5 का स्क्वायर होता है बच्चों 25। अब क्या करना है, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना है, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कराना है 5 × 5, फिर उसको डबल करना है 5 × 2 = 10, ये नंबर को ऐड करना है 1062, यानी 2601। अब आता है लास्ट में 23, 3 का स्क्वायर बच्चों होता है 9। मैंने पहले ही बताया है यहाँ पे डबल डिजिट लेना है, अगर सिंगल डिजिट आता है तो 0 लगा के डबल करना है उसको, 2 का स्क्वायर 4। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाना है, यानी ब्लैंक छोड़ना है, 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12, इनको प्लस करना होता है बच्चों 9 × 2 = 5, यानी 5 × 9 इसका स्क्वायर होता है 23 का। ऐसे ही किसी भी बड़े से बड़े नंबर का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं इस वाली ट्रिक से। तो बच्चों, ऐसी ही जानकारी के लिए, ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक्स के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।